नमस्ते दोस्तों, इतना सुंदर पेंट गाय के गोबर से बना है। पहले के टाइम में घर की लिपाई गोबर से करी जाती थी और शायद वही कल्चर वापस आने वाला है, क्योंकि ये है वो कंपनी जो गोबर से इतने सारे कलर्स में पेंट बना रही है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे देश के फार्मर्स को यानी किसानों को हो रहा है, लेकिन इसका फायदा आपको और मुझे भी होगा। कैसे, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इस दिवाली पर खुद का इस तरह का ऑर्गेनिक पेंट आप बना सकते हो, जिसकी डिमांड आज ही नहीं बल्कि जब तक आदमी इस धरती पर है तब तक रहेगी। और सबसे ज़्यादा फायदे वाली बात है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तब उन्हें इस तरह सड़क पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस बिजनेस की वजह से लोग उन्हें दूध के बावजूद भी पालेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, जो कि हमारे देशवासियों के लिए गर्व की बात होगी। दोस्तों, साइंस की रिपोर्ट की माने तो गाय के गोबर में ऐसे द्रव्य पाया जाता है जो रेडिएशन से हमें बचाता है, और तो गाय के गोबर से बने घरों पर हानिकारक परमाणु विकिरणों का असर नहीं होता है। मैं पहले आपको सचेत कर दूं, कोई भी इस वीडियो को धार्मिक से नहीं जोड़ेगा बल्कि एक बिजनेस माइंडसेट से इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, क्योंकि हमें आपका वोट नहीं बल्कि सपोर्ट चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गाय के गोबर का पेंट कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी बात करेंगे कि कैसे बिना इस तरह के बिजनेस खोले भी आप पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, इस गाय के गोबर के पेंट को बनाने के लिए किसी भी टेक्निकल शिक्षा की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। प्राकृतिक पेंट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण घटक गोबर है। गाढ़े गोबर में सम प्रमाण पानी मिलाकर TDR मशीन में डाला जाता है। उस मशीन में गोबर को फाइन किया जाता है। फाइन होने के बाद गोबर को सफेद करने के लिए ब्लीच किया जाता है। ब्लीचिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला जाता है। इससे ब्लीच के साथ वो CMC अर्थात कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोस में परिवर्तित हो जाएगा। किसी भी पेंट का उत्पादन करने वाली कंपनी के लिए CMC रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बाद में इसमें ठंडा चूना डाला जाता है। इसकी सफेदी की मात्रा बढ़ाने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला जाता है। इन सब को आपस में बांधे रखने के लिए बाइंडर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से बेसिक सफेद डिस्टेंपर पेंट तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप बेसिक डिस्टेंपर पेंट तैयार कर सकते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि प्लास्टिक इमल्शन पेंट कैसे तैयार किया जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लास्टिक इमल्शन पेंट में इन सब घटकों के साथ लिंसिड ऑयल यानी अलसी का तेल डाला जाता है। उसे व्हाइटनर के साथ पतला किया जाता है। इसे डिस्टेंपर में मिलाया तो ये प्लास्टिक इमल्शन पेंट बन जाता है। इसमें बहुत चमक होती है। इस पेंट बनाने की विधि में प्लास्टिक इमल्शन पेंट के लिए 20% एवं डिस्टेंपर के लिए 30% गोबर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब अगर 100 लीटर प्लास्टिक इमल्शन पेंट बनाना हो तो उसमें 20 किलो गोबर का, और 100 लीटर डिस्टेंपर बनाना हो तो इसमें 30 किलो गोबर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, 1 किलो डिस्टेंपर और 1 लीटर प्लास्टिक इमल्शन पेंट में कौन कौन से रासायनिक घटक किन मात्रा में मिलाया जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। 1 किलो डिस्टेंपर पेंट में 400 ग्राम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड, 100 ग्राम TiO2 यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, 100 ml बाइंडर, 50 ग्राम HEC यानी हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोस, 20 ग्राम सोडियम बेंजोएट। 1 लीटर इमल्शन पेंट में 400 ग्राम CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, 150 ग्राम TiO2, 150 ml बाइंडर, 50 ग्राम HEC यानी हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोस, 20 ग्राम सोडियम बेंजोएट और 100 ml LDCO यानी लॉन्ग DCO ऑयल इमल्शन। तो इस तरह के मटेरियल से आप खुद का प्राकृतिक पेंट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ट्विन सॉफ्ट पग मिल और बेड मिल मशीन के उपयोग से पेंट का अंतिम प्रोडक्ट आकर्षक बकेट में डाला जाता है। बकेट में डालने के बाद उसको तौल के पैक किया जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक खादी पेंट बिक्री के लिए तैयार हो जाता है। डिस्टेंपर पेंट किलो में और प्लास्टिक इमल्शन पेंट लीटर में तौला जाता है। कीमत की बात करें तो डिस्टेंपर पेंट की कीमत 120 रुपये प्रति किलो और इमल्शन पेंट की कीमत 225 रुपये प्रति लीटर है। ये कीमत बड़ी पेंट कंपनियों द्वारा ली जाने वाली कीमतों की तुलना में आधी से भी कम है। खादी प्राकृतिक डिस्टेंपर और प्लास्टिक इमल्शन पेंट का परीक्षण देश की 3 बड़ी प्रयोगशालाओं में हुआ है, जैसे नेशनल ट्रस्ट हाउस मुंबई और गाजियाबाद एवं श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली में किया गया है। इस पेंट को घरों की भीतरी और बाहरी दीवारों पर पेंट किया जा सकता है। दीवार पर पेंट करने के बाद ये सिर्फ 4 घंटे में सूख जाएगा। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि किस तरह से प्राकृतिक पेंट तैयार किया जाता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि कैसे किसानों को इसका फायदा होगा, और उसके बाद जानेंगे कि कैसे आपको और हमें फायदा होगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों, जहां ये पेंट तैयार किया जाता है उसके आसपास के किसानों और पशुशाला से गोबर उसी स्थिति में 5 रुपये प्रति किलो
से खरीदा जाता है। एक विकसित और तंदुरुस्त गोवंश प्रतिदिन औसतन 20 किलो गोबर देता है। इसी हिसाब से सिर्फ एक गोवंश से महीने भर का पाया हुआ लगभग 60 किलो गोबर 5 रुपए किलो से बेचने पर किसान या कोई भी व्यक्ति महीने का 3000 रुपए कमा सकता है। मतलब सिर्फ गोबर बिक्री से साल के 36000 रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। एक किलो डिस्टेंपर और एक लीटर पेंट बनाने का खर्चा और मुनाफा के बारे में भी आइए जान लेते हैं। डिस्टेंपर इमल्शन पेंट बनाने की लागत 40 से 45 रुपए प्रति किलो है। वहीं डिस्टेंपर पेंट बनाने की लागत 70 से 75 रुपए प्रति लीटर। डिस्टेंपर पैकेजिंग का खर्च 16 से 20 रुपए और इमल्शन पेंट का भी खर्च पैकेजिंग पर 16 से 20 रुपए। कुल लागत 56 से 65 रुपए प्रति किलो डिस्टेंपर का और 86 से 95 रुपए प्रति लीटर इमल्शन पेंट का। जब आप बाजार में डिस्टेंपर पेंट बेचते हैं तो इसकी कीमत 120 रुपए प्रति किलो होती है, वही इमल्शन पेंट की कीमत 225 रुपए प्रति लीटर। अगर हम मुनाफे की बात करें तो डिस्टेंपर पर हमें 55 रुपए से 64 रुपए प्रति किलो मिलता है, वही इमल्शन पेंट पर हमें 130 से 139 रुपए प्रति लीटर का मुनाफा मिलता है। दोस्तों, कोई फिक्स रेट नहीं है कि आप इतने पर ही बेचो। जब आप खुद बनाएंगे तो इसके बाद आप इसका रेट क्या रखना चाहते हैं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कीमत पर बेच सकते हैं और ये बिजनेस आइडिया मुझे काफ़ी कमाल का लग रहा है। और अगर आपको ये चिंता सता रही है कि बना तो लेंगे पर हम बेच नहीं पाएंगे, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC के देश भर में 8000 से ज़्यादा आउटलेट खुल चुके हैं, जहां पर आप नज़दीकी किसी भी आउटलेट में अपना पेंट बेचने के लिए रख सकते हैं। और यही तरीका पैसे कमाने का उनके लिए है जो इस तरह के बिजनेस में पैसे नहीं डालना चाहते हैं फिर भी पैसा कमाना चाहते हैं। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप उस इलाके में हैं जहां इस तरह के पेंट कोई बना रहा है, तो उससे आप बल्क में लेकर कमीशन पर कि जैसे मैं एक डिब्बे बिकवाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, ऐसा उनसे आपको बात कर लेना है पहले ही। मान लीजिए कम से कम वो 50 रुपये आपको पर डिब्बे पर देते हैं और आप महीने के 100 डिब्बे बिकवा देते हैं तो आप महीने का 5000 रुपये बिना कुछ किए कमा सकते हैं। और अगर आप ठेकेदार से मिल लेते हैं जो घरों मकानों पर पेंट करवाते हैं तो आप वहां से और ज़्यादा अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप कहां पर बेचते हैं और कैसे बातचीत करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो तो KVIC के माध्यम से 10% के कमीशन पर भी ऑनलाइन इसे बेच सकते हैं, और तो आप खुद इसके सेल्समैन बनकर बाजारों में भी बेच सकते हैं। देखिए, जो फैक्ट्री बैठाता है वो बनाने पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो अगर आप बातचीत करने में तेज हो तो आप यहां से अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मूड बना लिए हो कि हाँ मैं ये बिजनेस जरूर शुरू करूंगा, तो इस बिजनेस के लिए आपके पास 12 लाख रुपए होने चाहिए, साथ ही साथ 20x20 फीट की जगह में ये बिजनेस आप शुरू कर पाएंगे, जिसमें आपको 12 लाख पर 35% का सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलता है, यानी 4,20,000 रुपये में आपका फैक्ट्री तैयार हो जाएगा। इतना ज़्यादा सब्सिडी इसलिए मिल रहा है क्योंकि नितिन गडकरी जी का ये सपना है कि हर एक गांव में बिजनेस रोजगार हो, ताकि लोग दूसरे शहर जाकर अपने घर परिवार से ना बिछड़कर अपने इलाके में ही धंधा शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। दोस्तों, अगर हम मशीनरी की बात करें तो डबल डिस्क रिफाइनर जिसकी लागत 1,75,000 रुपये, ट्विन शिफ्ट मशीन 4 लाख रुपये, पग मिल 2 लाख रुपये, वीड मिल 3,50,000 रुपये और अन्य खर्च 75,000 रुपये। तो इस हिसाब से टोटल खर्च 12 लाख रुपये आता है। अगर आप छोटे में इस धंधे को शुरू करें तो बहुत ही कम लागत में इस धंधे को शुरू कर सकते हैं और मोटा पैसा बना सकते हैं। देखिए, ये 12 लाख का इन्वेस्टमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें आपको हैवी मशीन मिलता है जो कि स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं तो फैक्ट्री के साथ इस बिजनेस में उतरना चाहता हूं, तो आप 4,20,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं जो कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, पेंट के बारे में आपने सब कुछ तो जान लिया, लेकिन पेंट बनाया कैसे जाता है ये अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरह से आप पेंट तैयार कर सकते हैं, तो आपको लोकेशन और नंबर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाकर जरूर ज्वाइन हो जाएगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बिजनेस एक नई क्रांति लाने वाला है। अगर आप एक अच्छा बिजनेस डालना चाहते हैं जो जीवन भर आपको पैसे दे, तो ये शायद वही बिजनेस होने वाला है। और तो इस बिजनेस से जुड़ी जो भी प्रश्न हो मुझसे आप जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर आप ऐसे और गांव से रिलेटेड बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।